मैं कीर्ति परोहा 12th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम बहुत इजी टॉपिक है जो आपके यूनिट 5 का, जिसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इस पर हम कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उस पर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर। सबसे पहला है, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजातियों की अधिकाधिक उपस्थिति या जैव समृद्धि को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता से तात्पर्य किसी परिभाषित क्षेत्र में पाए जाने वाली सभी समष्टियों, प्रजातियों एवं समुदायों से है। बहुत सिंपल है बच्चों कि किसी भी क्षेत्र विशेष, पर्टिकुलर कोई एरिया है, जैसे जबलपुर है, जबलपुर के अंदर भी बहुत छोटे छोटे एरिया अपन ने बना लिए, और वहां पर कोई भी प्रजाति कितना ज्यादा उपस्थित है, कौन कौन सी प्रजातियां वहां उपस्थित हैं, चाहे वो प्लांट्स में हो या वो एनिमल्स में हो, या उसमें कौन कौन सी जैव की समृद्धि है, उसको जैव विविधता कहते हैं। इससे तात्पर्य क्या होता है कि किसी निश्चित क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली सभी समष्टियों, प्रजातियों एवं समुदायों से है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बच्चों आती है, सो इसको बहुत इंपॉर्टेंटली आप अच्छे से याद कर लेना। फिर इसके बाद जैव विविधता, विविधता यानी डायवर्सिटी यानी अलग अलग भिन्नता, उसमें तो उसमें क्या भिन्नता होगी, तो किस प्रकार से हम उस भिन्नता को नापेंगे, आनुवांशिक रूप से, प्रजाति रूप से, पारिस्थितिकी रूप से। विभिन्नताएं जो हैं वो जैव विविधता के अंतर्गत आती हैं। मतलब जैव विविधता में कितनी भिन्नताएं हैं, आनुवांशिक वाली, प्रजाति वाली और पारिस्थितिक विभिन्नताओं से है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, एडवर्ड विल्सन ने किया था। जैव विविधता को 3 श्रेणीबद्ध स्तरों पर व्यक्त किया जाता है, माने 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरी हैं जिनको अपन करते हैं। तो उसमें पहली है आनुवंशिक विविधता, माने जेनेटिकली क्या डिफरेंशिएशन है उनके बीच में। दूसरा, प्रजाति व्यवस्था, स्पीशीज लेवल पर, जाति लेवल पर उनमें क्या है विविधता। और तीसरी जो है वो है वातावरणीय के आधार पर, अर्थात पारिस्थितिकीय विविधता, इकोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि किसी प्रजाति विशेष में आनुवांशिक विभिन्नता किसे कहते हैं, अर्थात जीनों की कुल संख्या या डीएनए बहुरूपता को आनुवांशिक विभिन्नता कहते हैं। जो किस लेवल पर होती है आनुवांशिक विभिन्नता, जेनेटिक लेवल पर, डीएनए लेवल पर होती है। प्रजाति विविधता क्या है, प्रजाति विविधता किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या, उसको हिंदी में प्रजाति समृद्धि का नाम दे दिया है। तो प्रजाति विविधता हो जाएगी कि प्रजाति कितने प्रकार की यहाँ पर पाई जा रही। नेक्स्ट हम देखें तो पारिस्थितिकी विविधता, इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल रूप से भी क्या है, पारिस्थितिक अलग अलग रहते हैं, जैसे रेगिस्तान की अलग पारिस्थितिक तंत्र होता है, जल का अलग पारिस्थितिक तंत्र, स्थल का, मैदानी क्षेत्र का अलग होता है, वन क्षेत्र का अलग होता है। तो पारिस्थितिकी विविधता का तात्पर्य किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले तरह तरह के पारिस्थितिक तंत्रों से है। पारिस्थितिक विविधता रिलेटेड विद पारिस्थितिक तंत्र से है, जैसे रेगिस्तान, वर्षावन, गरान, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ, आर्द्र भूमि, ज्वार नदमुख, एस्चुरी तथा एल्पाइन शादल, मीडोज आदि की विविधता जो है वो पारिस्थितिक विविधता कहलाती है। कुल मिला के कुल टोटल ये हो गया कि पारिस्थितिक विविधता रिलेटेड विद पारिस्थितिक तंत्र। IUCN का पूरा नाम क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। IUCN का पूरा नाम है आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, फॉर सी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एवं नेचुरल रिसोर्सेस। अगेन फिर से आप साथ में बोलिए, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय संघ, किस चीज के लिए, संरक्षण के लिए, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु। तो ये है IUCN का फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखें, IUCN की 2004 की रिपोर्ट के अनुसार पादपों की कुल संख्या कितनी है, प्लांट स्पीशीज 1.5 मिलियन, परंतु
बहुत सारी प्रजातियां अभी भी रिपोर्ट नहीं की जा सकी हैं। रॉबर्ट मोए जो हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि वैश्विक जाति विविधता यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो जातियों की विविधता है वो कितनी है, 70 लाख या 7 मिलियन मापी गई है। पृथ्वी पर कुल आकलित जातियों में जितनी भी जातियां देखी गई उनमें 70% जंतु यानी एनिमल्स हैं, और कुल जंतुओं में उस 70% के अंतर्गत भी 70% इंसेक्ट या कीट प्रजाति आती है। यानी कीट प्रजाति जो है वो सबसे ज्यादा कैसी है, डोमिनेंट है। भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का कितना है, 2.4%। पूरे वर्ल्ड लेवल पर यदि हम भारत के भूमि क्षेत्र की बात करें तो वो कितना जाता है, 2.4%, जबकि यहाँ पर जाति विविधता कितनी है, 8.1%। विश्व के 12 महाविविध केंद्रों में भारत भी एक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ये आपको याद रखना। भारत में अधिकतर भूभाग उष्ण कटिबंधी क्षेत्र में है, यहाँ 1200 से अधिक पक्षियों की जातियां। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन उष्ण कटिबंधी वर्षा वनों की जो जैव विविधता है वो पृथ्वी पर सर्वाधिक है। मतलब इस क्षेत्र में अमेजन का जो उष्ण कटिबंधी वर्षा वन का जो क्षेत्र है वहां पर जो बायोडायवर्सिटी है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज्यादा है। महान प्रकृतिविद जो थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का कहना था कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जाति समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के साथ बढ़ती है। डेविड टिलमैन के अनुसार अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में साल दर साल कुल जैव भार में कम विभिन्नता देखी जाती है। उनके अनुसार विविधता में वृद्धि के अनुसार उत्पादकता बढ़ती है। आईयूसीएन की लाल सूची 2004 के अनुसार, रेड डाटा बुक के अनुसार, विश्व की कुल नई विलुप्त जातियों में प्रमुख हैं कौन कौन सी जातियां विलुप्त हो रही हैं, उसमें है मॉरिशस की डोडो, अफ्रीका की क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाईलैसिन, रूस की स्टेलर, समुद्री गाय एवं बाली, जावा तथा कैस्पियन की बाघ की तीन उपजातियां ये कैसी हैं, विलुप्त जातियों में प्रमुख हैं। ये थोड़ा थियोरिटिकल है बच्चों, लेकिन ये थोड़ा अपन को याद करना है और ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। जैव विविधता की क्षति, अगर जैव विविधता जहाँ की बहुत ज्यादा है और उसमें यदि कमी आ रही है तो उसके कारण क्या है, आवासीय क्षति एवं विखंडन, मतलब उन लोगों को उनके आवास ना मिल पाना जीवों का, अति दोहन, जरूरत से ज्यादा किसी चीज को लेना। जैसे मान लीजिए कुछ जातियां हैं जो साल के वृक्षों पर रहती हैं, अब अगर साल के वृक्ष ही काट दी जाए तो उससे रिलेटेड जो जातियां जो जीव जंतु उस पर रह रहे हैं वो क्या मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका आवास खत्म हो चुका है। विदेशी जातियों का आक्रमण, कुछ फॉरेन इन्वेडर स्पीशीज आती है उनके कारण सह विलुप्तता आदि। अमेजन वन पृथ्वी के वायुमंडल को लगभग 20% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान करते हैं। इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ, दैट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। लंग्स ऑफ द अर्थ या पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, अमेजन वन को, क्योंकि ये पृथ्वी के वायुमंडल को कितने परसेंट ऑक्सीजन देते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा 20%। अब हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहां पर जाति समृद्धि बहुत अधिक होती है, उच्च स्थानिकता होती है, ये अधिकतम सुरक्षा दिए जाने वाले क्षेत्र हैं। आज कुल 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं जो संसार के केवल 2% क्षेत्रफल में है। भारत में 14 जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व, 90 राष्ट्रीय उद्यान तथा 448 वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इनका उद्देश्य किसी जंतु का संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित रखना है। इस संरक्षण की विधि को स्वस्थाने इंसिटू संरक्षण कहते हैं। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना। बाह्य स्थाने एक्सीटू संरक्षण के अंतर्गत संकटोत्पन्न पादपों, मतलब जो कैसे हैं डेंजर में है, पादप प्लांट्स की जो जातियां उनके प्राकृतिक आवास से अलग कर एक विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल की जाती है। जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान तथा जीव सफारी पार्कों का उद्देश्य बाह्य स्थान संरक्षण, ये इंपॉर्टेंट है कि बाह्य स्थान संरक्षण में कौन कौन आता है, तो जंतु उद्यान,
जीव सफारी वनस्पति उद्यान ये बाह्य स्थान संरक्षण में यानी एक्सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो है उसमें पृथ्वी सम्मेलन हुआ, किस पर? जैव विविधता पर, अर्थ समिट हुआ, जिसमें लगभग सभी राष्ट्रों से आह्वान किया गया कि वे जैव विविधता एवं संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाएं। तो बच्चों ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और अब हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर। पहला, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी। हॉटस्पॉट से तात्पर्य है जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र, जहां पर हम जैव विविधता से संबंधित प्रजातियों को संरक्षित करने का कार्य करते हैं। लाल आंकड़ा बुक, रेड डाटा बुक प्रकाशित करने वाला संगठन है IUCN, बताया था अभी आप लोगों को हमने। भारत की लुप्त प्राय प्रजातियां निम्न में से हैं, कैनाबिस सैटाइवा। विश्व स्तर पर कितने हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं? अभी हमने समझा था 34, 34। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसलिए इसमें आएगा आनुवंशिक विविधता। नेक्स्ट देखो बच्चों, निम्नलिखित वन में से किस वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? लंग्स ऑफ द अर्थ, यहाँ पे आंसर है अमेजन वर्षावन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक संकटग्रस्त प्रजाति है? इसमें पूरी है रावल्फिया सर्पेंटाइना, सेंटेलम एल्बम, साइकस बेडोमी। इसमें आंसर आ जाएगा उपर्युक्त सभी। नाइन्थ देखो, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता वाला परितंत्र है? कोरल रीफ। दसवां देखो, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौसमी परिवर्तन निम्नतम होंगे, यहाँ पर मौसम चेंज कम होंगे? तो आंसर है उष्ण कटिबंध में। इलेवेंथ, निम्नलिखित में से किस समूह में संकटोत्पन्न प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? किस समूह में है? कीट प्रजाति में। निम्न में से किस देश की जैव विविधता सर्वाधिक है? आंसर ब्राजील। 13, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की हानि का कारण नहीं है? आंसर जंतुओं को जंतु उद्यानों में रखना। तो बच्चों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।